तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी जा रहा हूँ यार बैंक से एक लेटर आया था, तो उसके से रिगार्डिंग बैंक जाना पड़ेगा। और अभी जो मैंने इस पर काम कराया था उस पर कुछ काम होना है, मतलब उसकी पन्नी वन्नी छूटने लगी तो उसकी कंप्लेन है, तो उसके पास भी जाना पड़ेगा गाड़ी को लेके। और इसमें कुछ चीज़ चेंज भी करानी तो वो भी चेंज कराएंगे। फिलहाल अभी पीछे भी कोई बैठा क्या भाभी, तुम क्या कर रही हो पीछे? तो इन्हें भी कुछ छोड़ता ना इनके, तुम तो डेली आ जाती है सिर में दर्द करने यार, वहीं रह करो आराम से। आएगा यही सोच तुम्हारे घर में आई क्यों? किस्मत फूट रही थी मेरी। और सुनना, नहीं ऐसे कट करोगे इसे? नहीं नहीं पूरे डाल दो, मेरे को क्या दिक्कत, मेरे को ना दिक्कत। मैं तुम्हारी बहू को और ऐसे कहूंगी, मैं यही कहेंगे कहा कर फूटे। केवाईसी? हाँ बैंक भी तो जाना, पहले बैंक ही चलना पड़ेगा यार। तो गाइस अभी जा रहे हैं, फिलहाल मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ, बैंक जाऊँ? बैंक तो मैं कल भी जा सकता हूँ, बैंक वाला काम कल करूंगा, फिलहाल मैं गाड़ी के लिए काम, गाड़ी के काम से ही जा रहा हूँ। तो गाड़ी का काम है क्या? हाँ तो टेप वाला ही है, वो टेप देखते क्या होगा, उसका क्या करना है, छूट भी रही है ना वो, तो उससे पहले तो उससे उसी की कंप्लेन करूंगा, यानी फिर देखते हैं वो क्या कहता है, क्या रिस्पॉन्स देगा यार। बिना मतलब के पैसे ही लगा दिए, बिना मतलब यार मेरी मात है। जब तक किसी चीज में पैसे मतलब लगाता ना, अगर मुझे लगाने थे पैसे तो अच्छे वाले लगाने थे, मतलब पीपीएफ होती ना वो काम करवाता उससे पीपीएफ वाला, तो वो अच्छी क्वालिटी हो जाती, फिर दिक्कत भी नहीं आती। पर ये मैंने टेपिंग करा के तो गलती कर दी, थर्ड क्वालिटी एक तो हो गई, ऊपर से पैसे इतने ले लिए उसने, बहुत ही दुख हो रहा है। मतलब दुख इस बात का नहीं पैसे का है, दुख इस बात का है कि उसने जो काम करा वो अच्छा नहीं करा। एंड ये भाई मैंने आपको बताई थी कृष्णा वाला है, इसकी दो तीन दुकानें हैं दिल्ली बस स्टैंड के पास, तो आप लोग तो इससे काम कराना मत अगर कोई भाई मेड से है, क्योंकि बहुत ही गंदी क्वालिटी है, बहुत ही बेकार काम है और रेट भी बहुत ज़्यादा ले रहा है इस काम के हिसाब से। और आज का मौसम देखो भाई ऐसा हो रखा है, ना बारिश हो रही है और ना धूप निकल रही है, मतलब बड़ा अजीब सा हो गया, चिपचिपा सा मौसम हो रखा है, घुटन घुटन भरा हुआ। ये लड़की है पता, लड़का हर्ष, लड़का शोर है, शोर पक्की बात। तुझे कैसा पता लगा बता? सूझ देख के पहचान सकता है साथ ही। तो गाइस फाइनली भाई आ तो गए भैया के पास, अब दिखा देते हैं। भैया जो टेप लगाई थी छूटने लग गई इसकी, तो ये छूट गई, ये छूट गई, ये यहाँ से किनारे से छूटनी स्टार्ट हो गई सब, और इधर से नीचे से छूट गई पूरी यहाँ से, और उधर से भी छूट रही है ऐसी। ये कौन सा गिर गया भाई? तो क्या होगा इसका, क्या करोगे? सही मतलब कैसे करोगे वही तो पूछ रहा हूँ। श्योर, तो आप एक काम करो, इसमें एक तो इधर आ जाओ, ये देखो ठीक है, अभी हमें जो कराना है ये तो आप हटा दो, इस साले पिलर की भी उस साले पिलर की भी हटाई दो बस आपसे, ये आप चाहे दोबारा लगाओ चाहे इसे बैठा नहीं हो इसे बैठाओ, है नहीं मतलब तो बस ये ठीक है, अच्छी नहीं नहीं रखो दिखाया। और मैंने इसे जब ही कहा था लगाते हुए, मैंने कहा पहले तो इसे कट कर दे रबड़ के ऊपर आ रही है, जिससे पकड़ अच्छे से बन जाए इसकी। ये गाइस कुछ वाइट वाइट कुछ गिर गया रास्ते में, अभी कहीं पर काम वाम चल रहा होगा, जहाँ तक है पीछे छत पर भी गिर गया, वाइट कलर होता तो पता भी नहीं लग पाता है। हाँ ये तो हटा दो, ये तो हटवा रहा हूँ, बाकी इसे भी देखता हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये भी हटा देंगे। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तुम्हारी टेप की, नहीं फिर भी एक जो होता ना क्वालिटी वाली चीज वो नहीं थी। देखते से हटने के बाद कैसा लुक आता है गाड़ी पे, एंड अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वाला भी हटा देंगे, इसे तो मैं खुद ही हटा दूंगा, बीच वाला छोड़ देंगे भाई, साइड में से टेप तो हटा दिए, एंड ऐसा कुछ लुक आ रहा है अब गाड़ी का। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तब कमेंट करके बता देना, नहीं तो फिर ये वाला भी बीच वाला पार्ट भी हम हटा देंगे।
आप लोगों पर डिपेंड करता, भी हटाना नहीं है ना, बट इसे इसे मैं अब रखूंगा जब तक मैं ट्रिप से आऊँगा नहीं, तब तक तो ये रहेगा रहेगा टेप बीच वाला पार्ट, तो साइड वाले हटवा दूंगा। बस फाइनली अपनी गाड़ी का भाई ये लुक आया सामने से एंड साइड से, पहले से काफ़ी बेटर लग रही है। अब अभी देखते हैं इसमें और भी बदलाव देखूंगा, कभी फ्यूचर में करेंगे, मतलब अभी ट्रिप पहले कंप्लीट कर लूँ, पहले कंप्लीट कर लूँ ट्रिप एंड उसके बाद भाई। और बाकी आप लोग ये देख लो कृष्णा स्टिकर वाला है सामने की तरफ, ये बोर्ड देख लो एंड इससे नंबर वंबर लिखा हुआ ये है, तो भाई इसका ना तो बिहेव अच्छा था, ठीक है ना, तो इसका बिहेव अच्छा है ना, इसके यहाँ पे लड़के जो काम कर रहे हैं वो अच्छा ऑलरेडी, बल्कि जो मालिक है वो भी ठीक नहीं है। क्यूर्स मैंने कहा मालिक भी ऐसी ढीला ही है, लड़का बोल रहा मालिक के सामने चुप बैठा। अरे पैसे मिल गए ना, पैसे मिल गए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, पैसे दे दी ना, बस ये है काम मेरे को अब कराना पड़ेगा। पर भाई कुल मिला के बात ये, इसकी तीन दुकान है इसी रोड पे, मतलब इस रोड से पीछे की तरफ चलेंगे तो दिल्ली बस अड्डा आ जाएगा, बाकी इससे आगे की तरफ एक और है, तो इससे भाई इसके इस कृष्णा वाले से काम ना करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। इससे पहले मैंने जिस भाई से काम कराया था, भले ही उसका उसके पास में इस बार इसलिए नहीं गया कि उसने पिछली बार मेरे को लगा कि उसने, मतलब मेरे को मेरे हिसाब से उसने पैसे ज्यादा लिए थे, बट उसका काम ठीक था एंड उसका तरीका सही था बात करने का। सबसे मेन चीज़ है जो बात करने का तरीका होता है ना कस्टमर से, वो उसका सबसे तरीका वो सबसे ज़्यादा अच्छा था एंड इसी वजह से मैं उसके पास दोबारा भी गया था। बट दूसरी बार में उसने जो थोड़ा सा मेरे को लगा कि ज़्यादा पैसे लिए, इसलिए फिर मैंने उसके पास गया नहीं, मैंने कहा चलो दूसरे को ट्राई कर लेते हैं। दूसरे को ट्राई तो किया पर उसका तरीका अच्छा नहीं था एंड उसका काम भी अच्छा नहीं था। और ये दो तीन भाई हैं शायद, जब मुझे लगता है जिसकी जिनकी दुकानें हैं कृष्णा के नाम से, ये तीनों और तो वो बेकार ही है सब। अभी फिलहाल चल रहे हैं आगे की तरफ। अब कहाँ जाना भी? एक केक के लिए जाना, एक तो बैंक तो भाई 4 बजे बंद हो जाता है, 4:19 हो रहे हैं, अब तो 4:19 हो गए। पर गाइस आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं भाई, जो अपने ट्रिप पे मैं जा रहा हूँ, जिस ट्रिप पे मैं जा रहा हूँ उस पे मेरे साथ एक भाई और ऐड हो चुका है, भाई क्या छोटा भाई है वो अपना, तो वो कहता है कि भैया मेरे को भी साथ लेकर चलना क्योंकि मैं बहुत टाइम से बाहर घूमा नहीं हूँ, तो मुझे भी, मैंने कहा ठीक है चल, मैंने कहा मैं वैसे ले जा रहा हूँ और इतने दिन का रहेगा, कह रहा कोई बात नहीं है बस मेरे को ये बताओ कब चल रहा है, मैंने कहा भाई 27 या 28 में निकलूँगा, पर तू बैग पैक कर लिए 26 में, क्योंकि 27 में मेरे को जहाँ तक उम्मीद है मैं 27 में ही सुबह सुबह निकल लेंगे हम, तो ऐसे ही कुछ सीन है, मतलब 26 तारीख पर डिपेंड करता, अगर मैं जल्दी आ गया घर पर एग्ज़ाम दे के तो फिर 27 की मॉर्निंग में निकल जाएंगे, अगर लेट हो गया तो फिर हम 28 की मॉर्निंग में निकलेंगे, तो ऐसे ही कुछ सीन रहेगा। बाकी ट्रिप तो बहुत बेहतरीन होने वाला है एंड देखते हैं कितना एक्सट्रीम लेवल, मतलब कितने ज़्यादा खतरनाक रास्ते आने वाले इस वाले ट्रिप पे और कितना ज़्यादा मैं डरूंगा और नहीं डरूंगा, मतलब अभी तो मैं डरा हुआ हूँ पूरा A to Z, मतलब मेरे को ये है कि यार पता नहीं कितना किस लेवल तक का वहाँ पे रोड मिलेंगे आप, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी हुई तो वहाँ पे भाई कंडीशन तो बहुत ख़राब है एंड स्विफ्ट को ले जाना तो शायद पागलपन ही है, बट ठीक है पागलपन में अपना अभी दूसरा ऑप्शन है नहीं ना, या तो बाइक को मेरा मन नहीं है, मतलब बाइक भी देख रहे हैं सोच रहे हैं, मतलब जल्दी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, बाइक या गाड़ी में से तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल केक लेने के लिए आ गए हैं साकेत में कॉल मार्केट में, यहाँ से पहले वो ले लेते हैं केक। ये है भाई केक एंड हमें चाहिए परसों केक, तो उसके हिसाब से भैया को ऑर्डर दे दिया एंड भैया बाहर काट रहे पर्ची, अभी देखते हैं कितने रुपये लगाएंगे, डिस्काउंट लगा के कर देना भैया। तो गाइस बस यहाँ से हम निकलते हैं वापस घर की तरफ, केक का ऑर्डर दे दिया, काट के शीशा बंद करेंगे, किसी को गाली भर रहो कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा भी खत्म हो जाएगा इंसान का और गाली भी दे देगा, मुंह पे मत दो भाई साहब, लड़ाई हो जाएगी, वरना लड़ाई से मैं बहुत दूर रहता हूँ। पुलिस लाइन आने के बाद कितना सही लगता है ना, वैसे पेड़ चारों तरफ दिखाई देते हैं, छाए रहती है धूप होने के बाद भी, ऐसा माहौल होना चाहिए गाइस, पेड़ लगाओ यार ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा पेड़ लगेंगे उतना ज्यादा पोल्यूशन कम होगा। इस पेट्रोल डलवा लेते हैं यहाँ पे 500 का और देख लो आज ना बताओ एक प्रैंक करते हैं इनके पेट्रोल वालों के साथ, इनसे कहूंगा भैया पेट्रोल डाल दे 50 रुपए का देखो इसका मुंह कैसा बनेगा एकदम। आ रहा है बात हो गया, तो गाइस वीडियो तो चल रही है हमारा गाड़ी का, अच्छा हटियर्स भैया 50 का डाल देना पेट्रोल। अरे 500 का ही डाल देना यार, तुम तो सीरियसली ले भाई साहब, मजा नहीं है बिल्कुल ही बंदा
चेक कर लीजिए तो क्या चीटिंग बताओगे। हाँ ठीक है भैया, चलो डालो यार, तुम सीरियस हो गए गुड़ाने लगे तो 50 का ना हो सके वो हो सीएनजी। अच्छा अच्छा स्टार्टिंग के लिए चाहिए। अच्छा 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 ऐसे भी होते हैं, ऐसे आते लोग, हमने तो लाया नहीं आ रास्ता किसमें। अच्छा हमारी गाड़ी में पेट्रोल जब भी डलता है, जब मैं से चला के बाहर ट्रिप पे लेके जाता हूँ ना, सबसे ज्यादा टैंक ही फुल होता फिर तो इसका, फिर इसमें डलाता भी नहीं मैं, पर घर पे इसलिए नहीं डलाता यार, बाकी कोई लोग कोई घर में डलाता नहीं, एंड मेरे पास इतना पैसा है नहीं, घर वाले मुझे पैसे भी नहीं देते यार, कैसे करूँ मैं तो, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ, मेरे को भी तो फीलिंग है कोई मुझे पैसे दे। एक ही है मोटा, पैसे लेके बैठ गया डलवाने को, राजेश डलवा दे थोड़ा सा पेट्रोल। वैसे टिन्नू तू टॉयलेट टॉयलेट में पानी की जगह नमक के, नमक वाले पानी की जगह ना पेट्रोल करता ना, मजा आ जाता भाई साहब। फिर मैं तेरे को डेली ना बियर पिलाता एक बोतल और फिर गाड़ी में पेट्रोल डलवाता तेरे से। तो भाई जल्दी से अगर बोलता हाँ और फिर पार्टी करते हैं। आप लोगों को एक काम की चीज बताऊं, किसी को अगर बिजनेस करना हो ना 101% मैं बता देता हूँ किस चीज का करना चाहिए। मतलब अगर आप लोग पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप लोगों के पास है 10-20 लाख रुपए, 10-20 या ज्यादा ही थोड़ा सा, हाँ शायद 10-20 का तो होगा, 20 लाख का तो काम है कम से कम भाई। कैसी लगी हुई है गाड़ी पीछे, सेंटर खड़ी थी ठुकी। तो आप लोग ना भाई अगर आपको काम करना है टेपिंग का कर लो गाड़ी में, मतलब पीपीएफ का। मेरठ के अंदर एक भी दुकान नहीं है पीपीएफ की दुकान की, पीपीएफ की दुकान गाड़ी पे, मतलब टेपिंग वेपिंग की अच्छी क्वालिटी की। मतलब ये मान लो कि अगर पीपीएफ भी नहीं करा रहा बंदा, तो कम से कम अच्छी क्वालिटी की टेपिंग तो करो, और ना ही अच्छा गैराज है किसी का, तो भाई सबसे बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा बिजनेस बता रहा हूँ, अगर किसी को करना हो तो इस चीज़ का कर लो। पीपीएफ का माल रख लो एक तो अपने पास, और वैरायटी रख लो पीपीएफ में, सस्ती महंगी और सबसे महंगी, तीन दो वैरायटी रख लो, बल्कि सस्ती और महंगी बात ही खत्म। इन दो वैरायटी में से जिसे भी चाहिए होगी अपना आप करा लेगा, बाकी टेपिंग का। और एक थोड़ा सा इंटीरियर अच्छा होना चाहिए जहां गाड़ी खड़ी हो, जब आदमी काम कराता है तो उसे मतलब ऐसा लगना चाहिए कि यार हाँ काम हो रहा है, गाड़ी खड़ी है अंदर कहीं काम होने के लिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी तुम बाहर दुकान, तुम्हारी छोटी सी दुकान है और उसके बाहर तुम पीपीएफ कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, नहीं। एक तरीका होता है सिस्टम को लेकर चलो, तो एक सिस्टम बनाओ और उसके बाद करो प्ले। अच्छा गाड़ी देख अब कैसी लग रही है। तो गाइस ये मेरा मतलब मेन लौंडा है घर में, जो गाड़ी देख के मेरे को बता सकता है अब अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। अब कैसी लग रही है बता, अब सही लग रही है? मुझे तो अच्छी लग रही है यार, अब तो प्यार से हो गया मुझे अपनी गाड़ी पे, सेट लग रही है। बस अब इसमें मैंने नया जो सोचा है ना, जब इसमें मैं करूँगा इस पर ये यहाँ पे मैट ब्लैक लगवा के, एंड यहाँ पे एक पट्टी खिंचवाऊंगा दो, और पीछे की तरफ ये पूरी स्टेप ब्लैक ले लूँगा, ये वाली स्टेप और ये वाला, ये पूरा एक ब्लैक करा के, और पीछे का स्पॉइलर जो होता है ना वो उस पर पूरा ब्लैक करा दूंगा ये सब। अब अच्छी लग रही है तो लिटरली में अच्छी लग रही है अब तो मेरे को। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना भाई कैसी लग रही है कैसी नहीं, मेरे को तो बहुत सुंदर लग रही है गाड़ी इस टाइम पर अपनी। बाकी नहा धो के जब रेडी हो जाएगी ना पुलिस वुलिस होकर, तब ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये मैं बोल रहा था ये भी ब्लैक करा दूंगा ना, और यहाँ तक कि सबको भी ब्लैक करा दूंगा ऊपर से, तो तब ज़्यादा प्यारी लगेगी। चलो आओ अंदर आओ, देख लिया बस, हाँ देख लिया देख लिया, चलो अंदर चलो बस आ जा। गाइस ऊपर से देखना भाई गाड़ी क्या सेट आ रही है भाई साहब, गजब ही लग रही है भाई, माँ कसम भाई दिल आ गया अब तो इस पर। पहले साइड में जो था ना वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे पता है, बट अभी तो फिलहाल लाजवाब लग रही है। तो गाइस अभी जा रहा हूँ कहाँ, मेरे साथ देख पा रहा तुम, मतलब जा रहा मतलब कहाँ जा रहे बताओ, सामान लेने। क्या सामान लेने है, क्या सामान लेने? तो गाइस अभी जा रहे हैं भाई रस वस लेने के लिए गली के कुत्तों के लिए, आज सोच रहा हूँ थोड़ा पुण्य का काम कर लूँ, उन्हें कुछ खिला खिलू दूँ, वैसे तो रोटी वोटी डाल ही देते हैं, बट आज सोच रहा हूँ थोड़ा सा उनका अलग टेस्ट करा दें, मतलब थोड़ा सा स्पेशल खाना खिला दें, तो दूध के साथ रस खिला दूँगा। तो जल्दी से पहले रस ले आते हैं, रस लिया देखो यार पीछे भी तरफ, तो इसके साथ अभी हम जाएंगे दुकान लेने, दुकान पाए थे रस लेने के लिए। हाँ ये चार ले लें, चार और ऐसे ऐसे लोग मिल गए, क्या हाल है? हाँ चॉकलेट क्या करना है, जूते 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 क्या लेना, जूते जूते हाँ साफ बोल थोड़ा सा। और सुनो मामा चॉकलेट, चॉकलेट अभी दिला देंगे, है नहीं पैसे फालतू, दिला दे मामा चॉकलेट, दिला दे चॉकलेट दिला दे, देखो क्या देख रहा, शर्म नहीं है तक दिया दूध भी लेना है ना कुत्तों के लिए, रस उसमें डाल के दूंगा उन्हें। अबे यो नहीं, दूसरे वाला टफी का क्यों लाया, दूसरा जो खाली रखा है
तो गाइस ये हम ना भिगोना जिसमें दूध में रखा है और ये है रस। बाकी बट टफी बाहर क्या कर रहा है, बट टफी तू अंदर चल, बाकी कुत्ते नहीं आ रहे, अभी बुलाता हूँ। अरे कोई अबे तू गीला हो रहा है क्या बे यार, नाली का हो रहा है। चलो इसे देते हैं, इसके लिए पहले मैं, हमारी गली में चार पांच कुत्ते हैं, मैंने सोचा कि हमें एक ही बाउल मिला है तो एक बाउल में पहले एक कुत्ते को देंगे। है भाई कभी, हाँ भाई खाएगा, है भाई इसके साथ ही खाएँ। और अभी तो मैंने दूध भी निकाला, पहले निकाल के बैठ गया लोंडा। चलो दूध डाल के देखता हूँ, पहले देखता हूँ कि दूध वाले खाएंगे नहीं खाएंगे। है हाँ ये देखो भाई कितना भूखा है ये। चलो कभी कभी पुण्य का काम कर देना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में वैसे भी पुण्य का काम मैंने करे नहीं है, आज पुण्य का काम कर रहा हूँ। मेरे मन में आया बहुत दिन से आ रहा था यार खिला दूँ इन्हें बाहर से ला कर कुछ, ला दूँ फाइनली आज वो दिन आ ही गया इन्हें कुछ खिलाने का। अब ये रस खा लेगा, अभी एक एक दो और बुलाता हूँ, सब आ जाएंगे। अभी वो एक गली में लड़की गई थी, वो डेली खाना खिलाती है ना इन्हें, तो उसे देख के भाग गए। ये बॉडी बना रहे हैं तो तुम भी बॉडी बनाया करो दूध पी के। तो देख रहे हो गाइस कितना सूख गया, एक और आ गया शेर। हाँ पहले एक का भर जाए, पहले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी, पहले एक खा लो यार। चलो इसे खा लेने दो, पहले इसे खा लेने देते हैं अभी, नहीं ये मत उठा, एक मिनट रुक जा तू, पहले से खान दे फिर तेरा नंबर लगेगा। ये ज़्यादा कमज़ोर है जिसे मैंने अभी दिया है भाई, ये देखो बिल्कुल सूखा पड़ा है, दे तो दिया, बहुत बेसब्र है भाई सब, रुकने का समय नहीं है क्योंकि देता नहीं है ना, क्यों कोई खाना देता नहीं है गली के कुत्तों को। इन्होंने मुझे पकड़ा दिया है, एक दिन इन्होंने बिस्किट खिलाया था। ये सबसे ज्यादा मजबूत, इधर आना थोड़ा सा, ये सबसे ज्यादा मेरे को उपची इसमें देखे थे, मैं कैमरे में आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा मजबूत कुत्ता है भाई, कुत्तों में सबसे ज्यादा तगड़ा। अरे यार पीछे पीछे पीछे, आपसे मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो, चलो क्योंकि आपने 1 मिलियन तो करवाए नहीं है एक भी वीडियो पे। हो जाएंगे गाइस, हो जाएंगे, हो जाएंगे, जल्दी से कर दो। तो गाइस जिस कुत्ते को दे दिया, अभी दो कुत्तों का तो पेट भर गया और चले भी गए भाई खा पी के, अभी तो एक एक कर काट दे भग गए। वो रहा उधर की तरफ है, सामने की तरफ एक ये रहा, एक इधर है, अभी एक ये रहा।